अभ्युदय कोचिंग के शुभारंभ के अगले दिन मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने सफलता के मंत्र दिए। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आप लक्ष्य को लेकर अपनी स्थिति को साफ रखें, अपने दिल की आवाज सुने। आपको बता दें, अभ्युदय योजना के तहत कक्षाओं का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में कक्षाएं चलाई गई। इसके बाद मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और विकास भवन में कक्षाओं का संचालन होगा। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 2 महीने बाद बेतिहाता में तैयार किए जा रहे स्टडी सेंटर में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लाइब्रेरी की सुविधा जुबली लाइब्रेरी से मिलेगी। विकास भवन में एक स्टडी सेंटर होगा जहां 40 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकेंगे। इसका लोकार्पण भी हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, जो आपका फर्स्ट सेशन के क्वेश्चंस रह गए थे वो हम लोग करके कंक्लूड कर देंगे और लास्ट कल कहां क्लास होगी वो सारा आपको अभी बता दिया जाएगा। और सीडीएस एनडीए की क्लास के कैंडिडेट जो है कल सुबह आपके रिटर्न की जो क्लास होगी, ठीक है, सीडीएस एनडीए के कैंडिडेट हाथ खड़ा करते हैं, सीडीएस एनडीए और एफकैट सारे थे जो उसके रिटर्न एग्जाम है उसकी कल पहली क्लास ऑर्गेनाइज होगी विद सिलेबस की डिस्कशन के बाद आप लोग वहाँ पहुँचे एक सेशन वहाँ पे होगा। ये आप रुकिए करें तो सेकंड हाफ करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग ठीक है, एक आप सैनी जी जो आईएएस 2014 बैच से हैं और वो भी आपका इस पर हमारी टॉक है इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखते होंगे, तो विल कीप इट ब्रीफ एंड शॉर्ट, हाफ एन आवर में हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्लीज। और इस समय प्रैक्टिकल्स भी हैं, एग्जाम भी हैं, तो कैसे हो सकता है इसमें आपकी इंडिविजुअल हो तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि बेसिक चीजें कंटिन्यू करिए जितना आप टाइम दे सकते हैं, 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए दिन में और अपना एग्जाम ईयर सेट कर लीजिए। जैसे अभी 2021 है तो ऑब्वियस आप 22 में अपीयर होंगे, ग्रेजुएशन आपकी मार्च तक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद अपना टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी न्यूज पेपर मैगजीन करंट में आप टच में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हो और स्ट्रेटजी में जब आगे क्लासेस होगी तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे डिस्कस करते हैं आपकी स्टडी को और फाइन ट्यून कर देंगे, लेकिन डिसीजन आप ही का होगा कि आप करना क्या है, लेकिन बेसिक चीजें रखिए जो जितना आप कर सकते हो। अगर आपके सब्जेक्ट कॉमन है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट सेम है तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस कर दीजिए। जहां तक जनरल स्टडीज और एसए का सवाल है, जैसे छुट्टी है जिससे ज्यादा टाइम कर दीजिए नॉर्मल कर सकते इस तरह से। टोटली इंग्लिश मीडियम पैटर्न का हम लोग बहुत सारे बच्चे इसमें मैं समझता हूँ इस हॉल में मैक्सिमम बच्चे यूनिवर्सिटी के थोड़ा जो डिफरेंस दिखता है, मैं एज ए टीचर की हैसियत से भी जब मैंने कुछ चीजें देखी हैं मेरा हमेशा एक अनुभव रहा कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है मेन प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी वालों के लिए थोड़ा एक अलग टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ एक मोटिवेशनल हमारा जो है आज ही नहीं मोटिवेशनल ये लगभग आपको हर रोज ही मिलेगा। एक हमारे बहुत सारे आईएएस होंगे, बहुत सारे और अधिकारी होंगे तो वो भी अपने अपने आइडिया दिख रही होंगी, मैं उन कमियों को दूसरे एंगल से देखता हूँ। तो जो बच्चे भी मेरे संपर्क में आएंगे मैं हमेशा प्रॉपर तरीके से मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि अभी मुझे पूरा अपनी बात पूरी करने के लिए मंगे लिए होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। वास्तव में हम किसी भी ज्ञान का समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें कुछ गिने चुने मोती हम लोग आप लोगों को दे पाएंगे। इस ज्ञान के कुछ मोती के साथ साथ हमारा एक मोटिवेशनल होगा, जिन्होंने अपनी तैयारी की है वो बहुत तेज गति से आगे जाएंगे और जिसकी नॉलेज जिन्होंने ज्ञान थोड़ा कम इकट्ठा किया है जिसे कहते हैं ना थोड़ा जिसने अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है उसकी नॉलेज का हिस्सा उसे थोड़ा समय लगेगा और जिसने ज्यादा अपनी तैयारी खासकर मैं जैसे चाहता है एनसीईआरटी की बुक्स की बात थी सिक्स क्लास से मैं मेरा सब्जेक्ट इसमें मैथमेटिक्स था तो मैं खासकर अपने जैसे आईएएस के प्रीलिम्स वगैरह में देखता था कि 12th लेवल के टोटली प्रीलिम्स का क्वेश्चंस आते थे और मैं जो है मुझे लगता था कि अगर वास्तव में 12th की कमांड एक अच्छी तरीके से आती है किसी का तो प्रीलिम्स के लेवल पर वो कर सकता था। और आज
भी जो है क्योंकि अब ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, आपको इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, परंतु अभी भी कि आपके अंदर कुछ क्षमता है, आप अपने जो आसपास के बच्चों को भी कोई चीज जानकारी दे सकते हैं, आपके पास पढ़ाने की क्षमता भी अगर होती है, ये पढ़ाने की क्षमता भी वास्तव में योग्यता का मानक होता है। जब कोई आपके बीच में कोई ट्वेल्थ का बच्चा आपसे पूछे, जस्ट लाइक आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आपका हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, परंतु वो हिस्ट्री का वो आपसे बच्चा कुछ चीज पूछता है और बीच में आधारों कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो आप आसानी से आप उस बच्चे को भी कमांड दे सकते हैं, बता समझा सकते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन सरस्वती वंदना के साथ मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छे से शुरुआत की गई है। माननीय कमिश्नर साहब भी हमारे बीच में थे आज, और पहला सेशन जो है जॉइंट मैजिस्ट्रेट अनुज मलिक ने लिया है, और जो 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटजी जो है और न्यूज़पेपर को कैसे जनरल स्टडीज़ के साथ लिंक करके पढ़ना है, इस स्ट्रेटजी पे एक घंटे का टॉक दिया है और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। सेकेंड सेशन जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए हो रहा है, जिसमें एयरफोर्स की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि करियर्स इन इंडियन एयरफोर्स, उस पर अभी प्रेजेंटेशन चल रही है, और इसके बाद एक आईएएस पीसीएस पे एक सेशन मेरे द्वारा लिया जाएगा जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, जिसमें अगेन हम लोग जो बच्चों ने डिमांड किया है जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटजीज़ के बारे में किया, जब उनके क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसको हम लोग लाइव अभी करेंगे, लाइव भी इसको स्ट्रीम किया जाएगा।